नमस्कार जी, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 9 तक देखा। पार्ट 9 में आपने एक शुक्राणु की संपूर्ण संरचना के बारे में देखा कि एक शुक्राणु की संरचना कैसी होती है और वह शुक्राणु दिखता कैसे है। शुक्राणु को अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, यानी जो शुक्राणु होता है वो बाहर से हम नग्न आंखों से नहीं देखते हैं। और शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। पहला होता है शीर्ष, दूसरा होता है ग्रीवा, तीसरा मध्य भाग, चौथा पूंछ। इन सभी शुक्राणु के बारे में देखा और उनके कार्य के बारे में देखा कि शुक्राणु का कार्य कैसा होता है। तो आज के इस लेक्चर में यानी पार्ट 10 में हम देखेंगे कि जो हम युग्मक जनन के बारे में बताए थे उसमें आया था एक शुक्र जनन और एक आया था अंड जनन। तो शुक्र जनन तो हो गया था और शुक्राणु की संरचना भी हो गया था, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अंड जनन क्या होता है, यानी अंड जनन का मतलब क्या होता है और अंड जनन में क्या क्या प्रोसेस होता है उनके बारे में देखेंगे, जो कि मादाओं के अंडाशय में होता है। तो देखते हैं मानव जनन, चैप्टर 3, भाग 10। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, अंड जनन। अंड जनन को इंग्लिश में बोलते हैं ऊजेनेसिस। तो देखेंगे कि अंड जनन क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, अंड अंड का मतलब क्या है, अंडाणु। जनन का मतलब होता है निर्माण, उत्पत्ति, यानी अंडाणु का निर्माण या अंडाणु की उत्पत्ति। यानी अंडाणु की उत्पत्ति किसमें हो रहा था, हमने पार्ट 5 में बताया था कि जो मादा जनन तंत्र है उसमें आया था कि प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या होते हैं, अंडाशय। तो अंडाशय में क्या हो रहा था, अंडाणु का निर्माण हो रहा था। अगर आपने अंडाशय के बारे में नहीं पढ़ा है तो पार्ट 5 वाले लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हैं। तो अंड जनन का मतलब क्या होता है कि अंडाणु का निर्माण, और अंडाणु किस में बनता है, अंडाशय में, यानी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण। तो लिखेंगे एक परिपक्व मादा युग्मक चोर फीमेल गैमेट फॉर्मेशन इन ओजेंसिस। तो इसमें लिखेंगे एक परिपक्व मादा युग्मक। मादा युग्मक का मतलब, मादा युग्मक का मतलब क्या होता है, अंडाणु, अर्थात अंडाणु। एक परिपक्व मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होना ही अंड जनन कहलाता है। एक परिपक्व मादा युग्मक यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही अंड जनन कहते हैं, ओजेंसिस कहते हैं। अब देखेंगे कि यह अंड जनन का निर्माण कब होता है। अंड जनन का निर्माण तब होता है जब कोई मादा शिशु अपने माँ के गर्भ में पल रही होती है और उन मादा शिशु के अंडाशय में क्या होता है, कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं बनती हैं, उन्हें अंड जननी कहते हैं। और यह अंड जननी का निर्माण कब होता है, अंड जननी का निर्माण भ्रूणी प्रवर्धन के समय, भ्रूणी परिवर्धन के समय होता है। भ्रूणी परिवर्धन का मतलब जब मादा शिशु गर्भावस्था में होती है। जब मादा शिशु अपने माँ के गर्भ में पल रही होती है तो उस समय उनकी अंडाशय में, इन मादा शिशु के क्या होता है, अंडाशय में क्या होता है, कई मिलियन, कई मिलियन क्या बनते हैं, मातृ युग्मक कोशिका बनते हैं, मातृ युग्मक कोशिका। और इन्हीं मातृ युग्मक कोशिका बोलिए या इनको बोलिए अंड जननी, वो कोशिका जिससे अंडाणु का निर्माण करना है मातृ युग्मक कोशिका कहलाता है। यानी
अंड जलन का निर्माण कब होता है? जब भ्रूणी प्रबोधन के समय होता है। और यह भ्रूणी प्रबोधन कब होता है? जब मादा शिशु अपने गर्भ अवस्था में पल रही होती है, यानी मादा शिशु के अंडाशय में कई मिलियन क्या बनते हैं? मातृयुग्मक कोशिका बनते हैं। उन मातृयुग्मक कोशिका को हम अंडजननी भी बोलते हैं। इन अंडजननी से क्या निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अब हम देख लेते हैं कि यह जो अंड जनन का जो प्रोसेस है, यह अंड जनन का प्रोसेस जन्म के बाद नहीं होता। अंड जनन का प्रोसेस, अंड जनन की प्रक्रिया जन्म के बाद नहीं होती। ठीक है, अंड जनन की जो प्रक्रिया है वह जन्म के बाद नहीं होती है। यह अंड जनन की जो प्रक्रिया है यह पुरुष के शुक्र जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। पुरुषों में क्या हो रहा था? पुरुषों में हमने देखा था जब शुक्र जनन की प्रक्रिया हो रही थी, तो उन शुक्र जनन में हमने देखा था कि यह शुक्र जनन में यानी शुक्राणु का निर्माण कब हो रहा था? यौनारंभ के समय। लेकिन इसमें कब हो रहा है? यौनारंभ और जन्म से पहले, यानी जब यह मादा शिशु अपने माँ के गर्भ में पल रही होती है, तो उन मादा शिशु के अंडाशय में क्या हो रहा है? उन अंडाशय में कई मिलियन मातृयुग्मक कोशिकाएं बन रहे हैं। इन कई मिलियन मातृयुग्मक कोशिका को हम अंडजननी बोलते हैं। वह कोशिका जिससे अंडाणु का निर्माण करना है, उनको मातृयुग्मक कोशिका या अंडजननी कहते हैं। तो ये होता है एक परिपक्व मादा युग्मक। अब देखेंगे कि एक अंडाशय में अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, यानी एक अंडाशय है, उन अंडाशय के अंदर के हम काट को हम दिखाएंगे, यानी अंडा के अंदर के जो बाहरी भाग होते हैं उनको तो आप पढ़ चुके हैं या उनके कार्य को भी पढ़ चुके हैं। पार्ट 5 में आप जाएंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, उसमें लिखा रहेगा क्लास 12th बायोलॉजी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या अंड जनन का प्रोसेस कैसे होता है, यानी अंडाशय के अंदर जो अंदर की संरचना है, उन अंदर की संरचना में किस तरीके से अंडाणु का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से अंडाणु में कौन सा विभाजन होकर वो बन रहा है, अंडाणु कौन सा कार्य हो रहा है, इनके बारे में देखेंगे। इतना समझ में आया? चलिए अब इरेज कर देते हैं। अब देखेंगे कि अंड जनन का जो प्रोसेस है यह अंडाशय के अंदर कैसे हो रहा है, इनको देखेंगे। तो हमने बताया था कि एक मातृयुग्मक कोशिका या अंड जननी होता है, कई मिलियन जो युग्मक बन रहा है, तो हम देख लेते हैं। ये क्या है? एक अंडाशय है। अब देखेंगे कि इस अंडजननी में हम लिखे थे ना अंडजननी, तो अंडजननी हम बना लेते हैं यहाँ पे अंडजननी, इसे क्या बोलते हैं? अंडजननी, अंडजननी। इस अंडजननी क्या होता है? अब देखेंगे कि इस अंडजननी का निर्माण कैसे हो रहा है। हमने बताया कि अंडाशय में कई मिलियन क्या बनते हैं? मातृयुग्मक कोशिका बनती है। अब वो कई मिलियन मातृयुग्मक कोशिका या अंडजननी का निर्माण कैसे होता है? तो कई मिलियन मातृयुग्मक कोशिका का अंडजननी का जो निर्माण होता है वो अंडाशय के जो स्तर होता है, ये जो अंडाशय का जो स्तर होता है, कौन सा स्तर? जननिक उपकला स्तर। ये यहीं पर एक अंडाशय के जस्ट नीचे एक जननिक उपकला का स्तर होता है। इस स्तर को क्या क्या बोलते हैं? जननिक उपकला। इन जननिक उपकला से किसका निर्माण होता है? अंड जननी का। अब देखेंगे कि इस अंड जननी में क्या हो रहा है। इस अंड जननी में होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है। इस समसूत्री विभाजन से क्या बनता है? प्राथमिक अंडक बनता है। इसे बोलते हैं प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक। अब देखेंगे कि इस प्राथमिक अंडक में क्या होता है। इस प्राथमिक अंडक में होता है अर्धसूत्री विभाजन। फर्स्ट क्या होता है? अर्ध सूत्री फर्स्ट और पूर्वावस्था फर्स्ट होता है। इस प्राथमिक अंडक में अर्ध सूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और पूर्वावस्था फर्स्ट में जाकर यह रुक जा रहा है। अब रुक जा रहा है तो इन संरचना को क्या बोलेंगे? आगे जो विभाजन हो रहा है इनको बोलेंगे प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फोलिकल। अब देखेंगे कि इस प्राथमिक पुटक के चारों तरफ
कणिका में कोशिकाओं का एक स्तर बन जाता है, इस स्तर जिसे बोलते हैं प्राथमिक पुटक। अब प्राथमिक पुटक के चारों तरफ और कणिका में कोशिकाओं का स्तर बन जाता है जिसे बोलते हैं द्वितीयक पुटक। द्वितीयक पुटक यानी सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखेंगे कि यह द्वितीयक पुटक यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n था, इसमें अर्धसूत्री वजन हुआ तो इसमें भी 2n ही होगा क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पूर्वावस्था तक रुक गया है। अब यह प्राथमिक पुटक के बाद बनाता है द्वितीयक पुटक। अब देखेंगे कि जो द्वितीयक पुटक है यह क्या करता है। तो द्वितीयक पुटक के जो अंदर की कोशिका है यानी जो प्राथमिक अंडक है, इन प्राथमिक अंडक में और सूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्वावस्था फर्स्ट पूर्ण हो जाता है। इसमें क्या होता है, और सूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्वावस्था फर्स्ट पूर्ण हो जाता है और अपूर्ण होकर क्या बनाता है, तृतीयक पुटक। तृतीयक पुटक तो तृतीयक पुटक। अब जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण हो गया है तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें परिवर्तन होगा तो दो प्रकार का कोशिका बन जाती है इसके अंदर, किसके अंदर, तृतीयक पुटक के अंदर। एक बड़ी कोशिका होती है इनको बोलते हैं द्वितीयक अंडक और छोटे वाले को बोलते हैं प्रथम ध्रुवी पिंड। इसके ऊपर भी ये कणिका में कोशिकाओं का स्तर होता है तृतीयक पुटक के बाहर। अब देखेंगे तृतीयक पुटक क्या करता है। तृतीयक पुटक जलदही एक परिपक्व पुटक या ग्राफीन पुटक में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और द्वितीयक अंडक के चारों तरफ झिल्ली में अस्तर बन जाता है यानी कणिका में झिल्ली में अस्तर बन जाता है जो पारदर्शी होता है, जिस अस्तर को बोलते हैं जोना पेलविसिडा। और ये क्या बन जाता है, एक परिपक्व पुटक। इसको को क्या बोलेंगे, परिपक्व पुटक या इसे बोलते हैं ग्राफी पुटक। ग्राफी पुटक। अब क्या होता है, यह प्रथम ध्रुवीय पिंड क्या होता है, यह इसका महत्व नहीं होता, यह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अब ये देखें कि जो परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक है यह आगे चलकर मेच्योर हो जाता है। मेच्योर होकर क्या हो जाता है, फट जाता है, रप्चर्ड हो जाता है, कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है, ये जो ग्राफी पुटक है या परिपक्व पुटक यह अंडाशय की सतह पर आकर रप्चर्ड हो जाता है यानी फट जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो द्वितीयक अंडक है, ये क्या है, द्वितीयक अंडक, ये जो ना प्लेसिडा इसके बाहर का स्तर बना है, इसके अंदर जो द्वितीयक अंडक है, द्वितीयक अंडक ये क्या हो जाता है, अंडाशय से बाहर आ जाता है, अंडाशय से बाहर आ जाता है। अब इसको बोलेंगे अंडाणु। अंडाणु अंडाणु अभी भी द्वितीयक अंडक ही है। अब क्या करता है, यानी ग्राफीन पुटक से फटकर अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलना क्या कहलाता है, अंडोत्सर कहलाता है, ओवुलेशन। ग्राफीन पुटक का अंडाशय की सतह पर आकर फट जाना और उनमें से अंडाणु का बाहर निकलना अंडोत्सर कहलाता है। अब यह कहलाता है, ये जो परिपक्व पुटक जो फट जाता है, अब फटने के बाद क्या होता है, इनमें कुछ इस तरीके से आगे इसमें ब्लड भर जाता है, रुधिर भर जाता है, इसे बोलते हैं कार्पस हिमोरेजिकम। कार्पस हिमोरेजिकम आगे चलकर क्या करता है, इनके अंदर जो और भी फॉलिकल की जो सेल्स हैं, इन कार्पस ल्यूटियम में जो ब्लड है, इन ब्लड के साथ घुल कर यह जम जाती हैं। जो कार्पस ल्यूटियम के अंदर जो सेल्स हैं वह इन कार्पस हिमोरेजिकम में जो ब्लड है उन ब्लड के साथ जम कर आगे एक और संरचना बनाती हैं जिसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथ की तरह कार्य करता है और बहुत से हार्मोन का स्राव करता है, बहुत सारे हार्मोन मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है। अब यह कार्पस ल्यूटियम आगे चलकर क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है
नष्ट हुए कार्पस लुटियम को बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। अब ये ध्यान रखिएगा, फिर से हम बता देते हैं कि अंड जनन क्या होता है। एक परिपक्व मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण की प्रक्रिया को ही अंड जनन कहते हैं, यानी अंडाशय में अंडाणु का बनना अंड जनन कहलाता है। अंड जनन कब होता है? किसी भी स्त्री में अंड जनन का प्रोसेस तब होता है जब वह मादा शिशु अपने माँ के गर्भ में पल रही होती है। तो उस समय उनके अंडाशय में क्या होता है, कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिका या अंड जननी का निर्माण होता है, जिसे ही बोलते हैं हम क्या, अंडाणु। अब उस कई मिलियन जो अंड जननी है, उन अंड जननी में क्या होता है, अंड जननी में होता है समसूत्री विभाजन। और देखेंगे कि इस अंड जननी का निर्माण कैसे हुआ है, तो इस अंड जननी का निर्माण हुआ है इस अंडाशय की जो भित्ति है, जो लेयर है, जननिक उपकला, इन जननिक उपकला से किसका निर्माण हुआ है, अंड जननी का। अब यह अंड जननी में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो जो कोशिका बनता है उसे बोलते हैं प्राथमिक अंडक। अब प्राथमिक अंडक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और पूर्वावस्था फर्स्ट तक जाकर रुक जाता है, तब इस विभाजन को बोलते हैं प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक क्या होता है, प्राथमिक पुटक देखिए कि प्राथमिक पुटक जब एक ऐसा प्रक्रिया आता है कि प्राथमिक पुटक जन्म से लेकर यौनारंभ तक किसी भी स्त्री में कितने बन जाते हैं, 60 से 80 हजार, 80 हजार प्राथमिक पुटक। एक प्रक्रिया ऐसा आता है कि जन्म से लेकर यौनारंभ कब होता है, लड़कियों में 10 से 13 वर्ष तक, जन्म से लेकर यौनारंभ तक इन प्राथमिक पुटक 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक शेष बच जाते हैं, किसमें, अंडाशय में। अब यह इन 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक में से लगभग 400 से 500 पुटक एक परिपक्व होते हैं। कब परिपक्व होते हैं, जब वो प्रजनन काल की शुरुआत करते हैं, यानी जब उनमें प्रजनन काल की शुरुआत होती है। उनका शुरुआत 10 से 13 वर्ष के बाद होती है, यानी वो एक प्रजनन करने के योग्य हो जाते हैं। कि जब प्राथमिक पुटक जन्म से लेकर यौनारंभ तक, यानी एक ऐसा क्रिया आती है जो जन्म से लेकर यौनारंभ तक लगभग 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक किसमें बच जाते हैं, इन अंडाशय में बच जाते हैं, और 400-500 पुटक परिपक्व हो जाते हैं। इन 60 से 80 हजार पुटक में से कब परिपक्व होते हैं, जब वो प्रजनन काल की उसमें शुरुआत होती है मादाओं में। अब देखेंगे कि इस प्राथमिक पुटक में क्या होता है, प्राथमिक पुटक के जो चारों तरफ जो लेयर है, इन लेयर के ऊपर कुछ ग्रैनुलोसा सेल का लेयर बन जाते हैं, कणिका में कोशिकाओं का अस्तर बन जाता है, इन अस्तर को कहते हैं प्राथमिक पुटक। इन प्राथमिक पुटक के चारों तरफ और कणिका में कोशिकाओं का अस्तर बन जाता है, जिन्हें बोलते हैं द्वितीयक पुटक। अब जैसे ही द्वितीयक पुटक बनता है, तो द्वितीयक पुटक के भीतर जो प्राथमिक अंडक है, इन प्राथमिक अंडक में जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्वावस्था फर्स्ट जो रुक गया था, वह इसमें पूर्ण हो जाता है। किसमें पूर्ण होता है, द्वितीयक पुटक में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्वावस्था फर्स्ट पूर्ण हो जाता है। देखिए पूर्ण हो जाता है, जब पूर्ण हो जाता है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या में अब आधा होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण हो गया है, तो जाहिर सी बात है इनमें जो गुणसूत्र 2n है, इसमें अब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधा हो गया, क्योंकि पूर्ण हो जाएगा तो आधा हो जाएगा, तो दो कोशिका बनेगी, एक बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को बोलते हैं द्वितीयक अंडक, और जो छोटी कोशिका ऐसे बोलते हैं प्रथम ध्रुवी पिंड, जो पूरे मिलकर तृतीयक पुटक बनाते हैं। अब यह तृतीयक पुटक जल्द ही कन्वर्ट हो जाती है एक परिपक्व पुटक, जिसे बोलते हैं ग्राफी पुटक। अब देखें कि यह द्वितीयक अंडक है, इन द्वितीयक अंडक के चारों तरफ एक पारदर्शी झिल्ली में लेयर बन जाता है, जिसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो ये क्या है, ये लेयर है, और इसको हम द्वितीयक अंडक ही है, अभी ये क्या है, द्वितीयक अंडक ही है। द्वितीयक अंडक के बाहर जो लेयर है उसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। अब देखेंगे कि जो परिपक्व पुटक ग्राफीन पुटक है, यह आगे चलकर
रप्चर्ड हो जाता है, फट जाता है अंडाशय की सतह पर आकर। जब फटता है तो जो द्वितीयक अंडक है वह इस परिपक्व ग्राफीन पुटक से बाहर निकलता है, अंडाशय से बाहर निकलता है। तो इन पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। यानी ग्राफीन पुटक का इन अंडाशय की सतह पर आकर फटना और अंडाणु का बाहर निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब यह ग्राफीन पुटक जैसे ही फटता है तो इन ग्राफीन पुटक के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड भर जाता है। तब इस रचना को बोलते हैं कार्पस हिमोरेजिकम। अब कार्पस हिमोरेजिकम इस पुटक की कोशिकाएं भी घुल जाती हैं और घुल कर ब्लड के साथ जम जाती हैं। इनको अब बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथ की तरह कार्य करता है जो कुछ हार्मोन का संश्लेषण करता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अब देखेंगे कि ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये आगे चलकर नष्ट भी होने लगता है, जिसे बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। तो ये रहा एक अंडजनन का प्रोसेस। अब एक फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया है आपको। अब एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे, इसको भी रेज कर देते हैं। अभी ग्राफ के द्वारा बाद में देखेंगे, अभी कुछ आगे और भी समझ लेते हैं। कि जब हम देखे थे कि जब यह ग्राफीन पुटक फट जाता है और अंडाशय से अंडाणु मोचित हो जाता है, यानी जैसे मान लीजिए एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बना के समझाता हूँ। आप समझ रहे हैं ना, ये फीमेल यानी मादा जननतंत्र का भाग है। मादा जननतंत्र, तो हमने देखा था कि जैसे ही यह अंडाशय से अंडाणु मोचित हो रहे थे, अंडाशय से अंडाणु मोचित हुए तो यह अंडाणु क्या करता है, यह अंडाणु इस झालर के द्वारा यानी फिम्ब्री के द्वारा अटैच होता है। यह अंडाशय जो होता है यह फिम्ब्री के द्वारा अटैच होता है, और जैसे ही ग्राफीन पुटक फटता है तो अंडाणु मोचित होता है। तो अंडाणु अंडाशय से जैसे मोचित होता है तो यह फिम्ब्री इनको अंडाशय को अटैच कर लेता है, और यह अंडाशय फिम्ब्री के द्वारा धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाते हैं, इन फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका किस भाग में, तुम्बिका संकीर्ण जंक्शन यानी एम्पुला, एम्पुला और स्थमस के बीच में, स्थमस के बीच में, जिसे बोलते हैं एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। अब जैसे ही स्पर्म आता है, स्पर्म ऐसे ट्रेवल करके आया, स्पर्म आता है अंडाणु के पास फैलोपियन नलिका में, तो क्या होता है, तो ये जो अंडाणु है, ये अंडाणु है, जैसे स्पर्म आता है अंडाणु के पास तो क्या होता है, तो ये जो द्वितीयक अंडक है, द्वितीयक अंडक है, द्वितीयक अंडक, जैसे ही स्पर्म अंडाणु के पास आता है वैसे ही द्वितीयक अंडक अब में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हो जाता है, और दो कोशिका बनाता है। कौन कौन दो कोशिका बनाता है, एक बनाता है जिसे बोलते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड, और दूसरा कोशिका बनाता है जिसे बोलते हैं अंड कोशिका या अंड। जैसे स्पर्म आता है अंडाणु के पास तो स्पर्म के हेड पे क्या होता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। यह हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, जो अंडाशय के जो द्वितीयक भित्ति है इन द्वितीयक भित्ति को नष्ट करके क्या करता है, अंदर पहुंच जाता है, भित्त को नष्ट करके अंदर पहुंच जाता है। तो द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब जैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें दो प्रकार की कोशिका बना लेता है, एन और एन। इसको बोलते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड,
और इसको बोलते हैं अंडकोशिका। अब जैसे स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर पहुंचता है तो ये द्वितीय ध्रुवीय पिंड क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इनका कोई महत्व नहीं होता है। अब बचता है यह एन जो कि अगुणित है। अगुणित संरचना क्या है, अंडकोश का। इस अगुणित संरचना के साथ यह अगुणित यह भी क्या होता है, नर युग्मक क्या होता है, अगुणित होता है शुक्राणु। अब इस शुक्राणु का केंद्रक और इस अंडाणु का जो अंडकोश का जो अगुणित भाग है यह भी क्या होते हैं, आपस में फ्यूज कर लेते हैं और फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट यानी युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। और युग्मनज के आगे चलकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। अब भ्रूण से धीरे धीरे क्या बनता है, नया संतान बनता है, नया संतान बनता है ये। अब देखते हैं ग्राफ के द्वारा किस तरीके से अंडजन्य विभाजन हो रहा था, क्या बन रहा था, उनके बारे में देख लेते हैं। आप देख रहे थे कि जो अंडजननी है, अंडजननी जो कि क्या है, 2n है, यानी गुणसूत्र की संख्या क्या है इसमें, 46 है। इस अंडजननी क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होकर क्या बनाता है, प्राथमिक अंडक। इन प्राथमिक अंडक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, पूर्वावस्था फर्स्ट होता है। और पूर्वावस्था फर्स्ट में क्या होता है, यह रुक जाता है, यानी अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और दो प्रकार की कोशिका बनाता है, एक बना रहा था द्वितीयक अंडक। अब इन द्वितीयक अंडक जैसे ही बनता है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जब पूर्ण जाता है तो क्या बनाता है, प्रथम ध्रुवीय पिंड। अब द्वितीयक अंडक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इस अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही सेकंड होता है तो बनता है विभाजन से, एक बनता अंड कोशिका और दूसरा बनता है द्वितीय ध्रुवीय पिंड। द्वितीय ध्रुवीय पिंड ये इस तरीके से होता है। अंडजननी जो है 2n है, इस अंडजननी में समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप बनता है प्राथमिक अंडक। अब इस प्राथमिक अंडक में हमने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, पूर्वावस्था फर्स्ट तक जाकर यह रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और दो कोशिका बनाती है, द्वितीयक अंडक एक प्रथम ध्रुवीय पिंड। प्रथम ध्रुवीय पिंड में जैसे बनता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण हो जाता है। अब द्वितीयक अंडक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है और दो प्रकार की कोशिका और बनाता है जिसे बोलते हैं एक अंड कोशिका और दूसरा द्वितीय ध्रुवीय पिंड। इस प्रकार से एक अंडजननी से एक अंड कोशिका का निर्माण होता है। इस प्रकार एक अंडजननी से एक अंडाशय में उपस्थित एक अंडजननी से एक अंड कोशिका का निर्माण होता है, यानी एक अंडाणु का निर्माण होता है। इसे अंड कोशिका या अंडाणु भी बोल सकते हैं। तो ये तो आई होप ये क्लासेस आपको समझ में आई होंगी और ये क्लासेस आपको पसंद भी आई होंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई डाउट हो तो, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, या जो आपके भाई या बहन हैं जो पढ़ते हैं बायोलॉजी। और हमारे प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12th का जीव विज्ञान और 11th का जीव विज्ञान मिल जाएगा, जिसमें अब हम क्लास 12th का ही पढ़ा रहे हैं। और क्लास 12th जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। आप हमारे चैनल पर सभी को बताइए कि हमारे चैनल पर मुख्य रूप से NCERT जीव विज्ञान का ही पढ़ा जाता है, जो आपको अच्छे से इसमें प्रिपरेशन कराया जाता है। तो आज की क्लासेस यहीं तक, तो आगे की क्लासेस हम ले आएंगे इसके आगे का भाग, यानी जो अंडाणु बन रहा है यानी अंडाशय में, तो इन अंडाणु की संरचना के बारे में देखेंगे कि अंडाणु की संरचना कैसी होती है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।